हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, कंगना रनौत से हो गया बहुत बड़ी गलती। क्या, एक क्राइम हो गया। और क्राइम क्या किया उन्होंने पूछ लिया सरकार से कुछ सवाल। जी नहीं, उन्होंने फांसीवादी मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछा, उन्होंने महाराष्ट्र के बेस्ट सीएम उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार से सवाल पूछे। तो दोस्तों, फिलहाल जो महाराष्ट्र की सरकार है वो इतनी बेस्ट सरकार है आज के डेट में कि अगर कोई सीएम उद्धव ठाकरे कुछ बोल दे तो शिवसेना वाले उसका सर गंजा कर देते। अगर कोई आदित्य ठाकरे को बेबी पेंगुइन कहता है तो उसको जेल में जाना पड़ता है। इतनी बेस्ट सरकार है कि जो सुशांत का केस है उसमें से भी इन्वेस्टिगेशन ना हो इसके लिए खुद कोर्ट में जाते हैं। तो अभी क्या हुआ है ना, कंगना रनौत ने मुंबई को कश्मीर के साथ कंपेयर कर दिया था, तो उसके ऊपर जो सो कॉल्ड सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं वो उस पर भड़क गए, जिसके ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको ये कहती है कि अब कंगना का मुंबई पर कोई हक नहीं है, उसे मुंबई नहीं आना चाहिए। सोचने वाली बात है कि अगर यही सेम बीजेपी गवर्नमेंट करती जब आमिर खान ने ये बोला था कि इंडिया इंटॉलरेंट है, तो ये जितने भी सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं उन्होंने बीजेपी का जीना हराम कर दिया होता। अगर बीजेपी ने आमिर खान को ये बोला होता कि तुमने इंडिया को इंटॉलरेंट बोला है तो अब तुम्हें इंडिया में रहने का कोई हक नहीं, तो सिर्फ सोचो कि क्या क्या हुआ होता। लेकिन जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्पीक पर्सन ये बोलते थे कंगना का मुंबई पर कोई हक नहीं है तो कोई भी उस पर आवाज नहीं उठाता, उल्टा उस बात का सपोर्ट करते। उसी तरह फिलहाल जो सुशांत का केस चल रहा है उसमें कंगना रनौत कितना खुल के बोल रही है हम सबको पता है। तो कंगना रनौत बॉलीवुड के जो ड्रग्स यूजर्स है, जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनके बारे में खुलकर बात कर रही है। तो इसके लिए एक इंसान उसको पुलिस सिक्योरिटी की मांग करती है और कहती है कि मुंबई पुलिस ने उसे सिक्योरिटी देनी चाहिए। उस पर कंगना रनौत ने जवाब दिया है कि नहीं नहीं, मुझे मुंबई पुलिस से कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे अगर सिक्योरिटी देनी है तो सेंट्रल से दो या फिर कहीं और से दो, लेकिन मुझे मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। क्योंकि हो सकता है कंगना को डर लग रहा हो कि जिस तरह से पालघर के साधुओं को भीड़ के हवाले कर दिया था पुलिस ने, कहीं कंगना को भी ना कर दे। और तो और कोई भी इस बात पर भी महाराष्ट्र की बेस्ट सरकार पे आवाज नहीं उठाता। वही संजय राउत अब कंगना को ये बोल रहे हैं कि अब वो उसे मुंबई नहीं आने देंगे। वही कंगना ने रिप्लाई में कहा है कि मैं 9 सितंबर को आ रही हूं जिसमें दम है रोक लो। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है देश में। जब पिछली बार वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जय श्री राम बोलने पर लोगों को जेल में डालती थी, तो ये जितने भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि सरकार से सवाल करना चाहिए, सरकार को खुला मत छोड़ो, सरकार से इतने सवाल करो कि वो अपने मर्जी से कुछ कर ना पाए, ऐसे लोग ये न्यूज़ कवर ही नहीं करते, बिल्कुल कवर नहीं करते। वही दूसरी तरफ लिंचिंग का फॉल्स डेटा क्रिएट करके मोदी सरकार से सवाल पूछेंगे। फॉल्स डेटा, आई एम रिपीटिंग, फॉल्स डेटा क्रिएट करके मोदी सरकार से सवाल पूछेंगे, लेकिन ये वहां पर सवाल बिल्कुल नहीं पूछते जहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हो। इन लोगों ने सीधा सीधा के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि सवाल सिर्फ बीजेपी सरकार से ही पूछना चाहिए करके, सवाल सिर्फ बीजेपी से करेंगे और खुद को निष्पक्ष साबित करेंगे, कुछ इस प्रकार का ही ट्रेंड चला रहे हैं ये लोग। अर्णव गोस्वामी ने सोनिया गांधी का ओरिजिनल नाम क्या ले लिया था, अर्णव गोस्वामी पर FIR, उसके ऊपर जानलेवा हमला, याद है ना, कि वो भी न्यूज कवर नहीं किए थे इन लोगों ने, नहीं किए होंगे बोलना। अरे एक्सेप्ट कर लो ना कि तुम लोग सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं चाहते हो, खुद को निष्पक्ष साबित क्यों करते हो, किसी दूसरी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को फॉलो करना कोई क्राइम थोड़ी ना है। लेकिन ये निष्पक्षता के आड़ में तुम लोग जो झूठी खबरें चलाते हो, जो तुम लोग तुम्हारे व्यूवर्स को मैनिपुलेट करते हो, इसकी क्या जरूरत है। तुकाराम मुंडे का रातों रात नागपुर से ट्रांसफर हो जाता है लेकिन कोई उसके बारे में कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर भी इनको फैसिज्म, इनको हिटलर, इनको डेमोक्रेसी पे खतरा सिर्फ वहीं पे दिखता है जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट है। और ये जो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जो लोग कुछ बोल रहे हैं उनका सर मुंडवाना या फिर जेल में डालना, ये क्या डेमोक्रेसी के अंदर आता है। गवर्नमेंट कुछ बोलने नहीं देती, गवर्नमेंट कुछ बोलने नहीं देती, ये बोल बोल के गवर्नमेंट पे बहुत कुछ बोल देते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार हो, और जहां पर नॉन बीजेपी सरकार है वहां पर तो बोलने की हिम्मत ही नहीं होती उनकी। मोदी सरकार कुछ बोलने थी ये कह के मोदी को जेनोसाइड करने वाला, हिटलर, मौत का सौदागर, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, और जहां पर इनके लिए डेमोक्रेसी फ्री है उस गवर्नमेंट को ये लोग कुछ बोल नहीं पाते इतना सब कुछ होने के बाद भी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे मेल ऑन फॉलो जरूर करना। मैं मिलूंगा आपको इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।